प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अकाउंटिंग की एक बेसिक टर्म के बारे में जानेंगे तथा यह टर्म बहुत ही इस्तेमाल होती है। एक तरह का अकाउंटिंग का आधार है। इस टर्म का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन प्यारे विद्यार्थियों, अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें ये बताता है कि हमारी टोटल एसेट्स हमेशा ही वो बराबर है लाइबिलिटीज आउटसाइड प्लस कैपिटल। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। यह हमेशा बराबर होगी जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी तथा इसको हम सिद्ध कर सकते हैं कुछ ट्रांजेक्शन लेकर। जैसे मोहन ने 10,000 रुपए से अपना काम शुरू किया, तो मोहन काम शुरू कर रहा है, उसके जेब में पैसा नहीं है, अब बिजनेस का पैसा हो गया, तो संपत्ति किसकी होगी? बिजनेस की। तो कैश है एक एसेट, ये 10,000 रुपए। तो दूसरी तरफ उसके पास कैपिटल है, ये तो नील है, लेबिलिटीज आउटसाइड की, पूंजी से काम शुरू किया है, तो कैपिटल हो गई 10,000। नंबर दो पे मोहन ने फर्नीचर खरीदा कैश देकर, अब बिजनेस की पॉकेट से 5,000 रुपये चले जाते हैं और एक नई एसेट आ जाती है, यानी एक एसेट से दूसरी एसेट में ट्रांसफर हो गया। इस तरह कोई प्रभाव नहीं हुआ, यहाँ 5,000 कम हो गए कैश के, कैश हमारे पास 5,000 रह गया और फर्नीचर 5,000 का आ गया, तो ये 10,000 हो गए, यहां भी 10,000 है। अभी तक दो ट्रांजेक्शन्स हो गई। तीसरी, अब मान लो कि मोहन ने शाम से 5,000 रुपए का उधार माल खरीदा, तो माल तो खरीदा है, संपत्ति इंक्रीज हो गई, सामान आ गया, इन्वेंटरी आ गई, इस तरह 5,000 रुपए बढ़ गए, हमारी टोटल एसेट 15,000 हो गई और इस तरफ हमने पैसे देने हैं शाम को 5,000, तो 5,000 की लाइबिलिटीज बढ़ गई, तो टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का जो टोटल है वो भी 15,000 हो गया। एक दूसरी ट्रांजेक्शन्स है, मोहन ने सोहन को उधार माल बेचा। इस ट्रांजेक्शंस में भी हमारी एसेट और लाइबिलिटीज बराबर रहेंगी। तो सबसे पहले क्या है, ये इन्वेंटरी है, तो ये 5,000 है, इस 5,000 में से 1,000 घटा दो तो 4,000 हमारी इन्वेंटरी आ गई। कैश प्रभावित नहीं हुआ, फर्नीचर प्रभावित नहीं हुआ, सिर्फ इन्वेंटरी के ऊपर इफेक्ट हुआ है। इसके अलावा एक नई एसेट आ गई, 2,000 का उधार बेचा सोहन को। सोहन ये क्या है? डेटर है, हमने सोहन से पैसे लेने हैं, तो हमारी एसेट है 2,000। अब डिफरेंस हो गया 1,000 क्या, तो 1,000 हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। 1,000 का माल जिसकी लागत थी 2,000 का बेचा, हमारी कैपिटल 1,000 इंक्रीज हो गई, तो यहाँ टोटल हो गया 16,000 और यहाँ 4 6 6 6 और 10, 6 और 10,000, ये 16,000। ऐसे ही
यदि हमने रेंट बिजनेस के ऑफिस का लैंडलॉर्ड को देना हो, अभी दिया नहीं, तो ये है 500 रुपये का। इसका मतलब हमारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज जो है देने हैं लैंडलॉर्ड को, वो इंक्रीज हो गई 500 रुपये से। और दूसरी तरफ क्योंकि खर्चा है, जितने भी खर्चे होते हैं वो कैपिटल उससे कम हो जाती है, तो 500 यहाँ घटा दो। तो इस प्रकार से हमारा जो फार्मूला हो गया वो एसेट्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस एक्सपे प्लस इनकम सॉरी माइनस एक्सपेंसेस, ये हमारा फार्मूला हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन का। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस वीडियो को देखने का।